चलिए इंडिया सुपर 30 की शुरुआत करते हैं। पहली खबर, तमिलनाडु में चुनाव आयोग ने होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। चुनाव आयोग ने इस बार अपना स्लोगन तमिलनाडु इलेक्शन नो वोटर विल बी लेफ्ट बिहाइंड रखा गया है। मुख्य चुनाव आयोग के नेतृत्व में पहुंची चुनाव आयोग की एक टीम ने तमिलनाडु के सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक की और चुनावी तैयारियों का जायजा लिया। तमिलनाडु विधानसभा का कार्यकाल 22 मई 2016 तक है। बाढ़ से बर्बाद हो चुके तमिलनाडु में इस बार चुनाव के लिए चुनाव आयोग कई तरह के प्रयोग कर रहा है, जिससे सभी वोटर्स को वोटिंग का मौका मिल सके। चुनाव आयोग वोटर लिस्ट की जांच करने के लिए 19 से 29 फरवरी तक एक विशेष अभियान भी चलाएगा और इसके अलावा बाढ़ प्रभावित इलाकों में विशेष कैंप लगाए जाएंगे, जिससे लोग आसानी से वोटर कार्ड बनवा सकें। तमिलनाडु में 2011 के विधानसभा चुनाव में 234 सीटों पर वोटिंग हुई थी। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम और ऑल इंडिया द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के बीच मुख्य मुकाबला था, जिसमें जे जयललिता की AIADMK ने 203 सीटों पर जीत दर्ज की थी और जयललिता के नेतृत्व में सरकार बनाई गई थी। हालांकि जयललिता को आय से अधिक संपत्ति मामले में जेल जाने के बाद सीट छोड़नी पड़ी थी और उन्होंने पनीर सेल्वम को सीएम बनाया था, लेकिन कोर्ट से बरी होने के बाद जयललिता दोबारा सीएम बनी। डीएमके ने 8 दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, जबकि AIADMK ने 11 दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। इस चुनाव में डीएमके को 2G स्पेक्ट्रम स्कैम समेत भ्रष्टाचार के कई मामलों में फंसे उनके नेताओं की वजह से करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। सियाचिन में मौत को मात देने वाले लांस नायक हनुमंत थप्पा ने दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल में आज सुबह 11:45 पर आखिरी सांसें ली। सेना ने दिल्ली के बरार स्क्वायर में हनुमंत थप्पा को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर हनुमंत थप्पा को श्रद्धांजलि दी। इसके अलावा तीनों सेना प्रमुख, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी हनुमंत थप्पा को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। हनुमंत थप्पा का परिवार भी इस मौके पर मौजूद था। डॉक्टर्स के मुताबिक हनुमंत थप्पा का निधन मल्टी ऑर्गन फेल्योर की वजह से हुआ। हनुमंत थप्पा को दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल में 9 फरवरी को भर्ती कराया गया था। 3 फरवरी को सियाचिन में आए बर्फीले तूफान में हनुमंत थप्पा दब गए थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी गवाही में पाकिस्तानी अमेरिकी आतंकी डेविड हेडली ने खुलासा किया है कि इशरत जहां लश्कर की आतंकी थी। हेडली ने गवाही के दौरान कहा कि इशरत लश्कर की महिला विंग के लिए आत्मघाती हमलावर के तौर पर काम करती थी और वो 2002-2003 में मुंबई के बाहर नाके पर पुलिस वालों पर हमला करना चाहती थी। मुजम्मिल ने हमें ये बात कही कि एक गुजरात के नजदीक एक फीमेल सुसाइडर बॉम्बर का मिशन फेल होने के कारण जकीहुर रहमान लखवी उसे टोक रहा था। हमने कहा कि क्या उसका तुम्हें नाम बताया क्या? तब उसने कहा कि अभी याद नहीं है। फिर हमने हमारी जो मुझे जो जानकारी मिली थी कि लश्कर के फीमेल सुसाइड बॉम्बर कौन कौन है, उस आधार पर मैंने 3 वुमेन के नाम बताए। पहली वुमेन का नाम बताया नूरजान बेगम, दूसरा नाम हमने बताया कि इशरत जहां, और तीसरा नाम हमने बताया कि मुमताज बेगम। तो उसने तुरंत कहा कि इशरत जहां ये नाम मैंने सुना था और पुलिस के चकमक में मारी गई थी, इसलिए मुजम्मिल भट्ट को जकीउर रहमान लखवी कोस रहा था, यह बात उसने आज बताई। अमेरिका की जेल में 35 साल की सजा काट रहे डेविड कोलमैन हेडली ने यह भी बताया कि उसे भारत आने से पहले मेजर इकबाल ने $25,000 दिए थे। हमने डेविड हेडली को पूछा लश्कर ये मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन होने के कारण उनके कितने विंग्स हैं, तो उसने कहा कि जकीउर रहमान लखवी ये ऑपरेशनल कमांडर है, हाफिज सहीद ये फाउंडर है, और फाइनेंस विंग, नेवल विंग और वुमेन विंग, ऐसे तीनों विंग्स उसने बताए। हमने और उसे पूछा कि नेवी ऑपरेशन का कौन है,
फाइनेंस का कौन देखता था उसके नाम उसने बताया। उसने कहा कि हाँ कश्मीरी इलियास को मैं जानता हूँ, वो वजीरिस्तान में उसे मेरी और उसकी पहचान हुई थी। अब 26/11 के आतंकी हमले के बाद उसने मुझे शाबाश की दी थी। उसने ये भी बताया कि मुजम्मिल भट्ट और उसके लश्कर के साथी कश्मीर के अलावा गुजरात और महाराष्ट्र में भी उन्होंने टेररिस्ट एक्टिविटीज कहा है। हमने जब उसे स्पेसिफिक पूछा कि गुजरात में कहां मुजम्मिल भट्ट और लश्कर के लोगों ने टेररिस्ट एक्टिविटीज की है, तो उसने बताया कि अक्षरधाम टेंपल पे अटैक किया था, उसमें मुजम्मिल भट्ट का नाम उसने बताया। इशरत जहां समेत चार आतंकियों को गुजरात पुलिस ने 2004 में मुठभेड़ में मार गिराया था। गुजरात पुलिस ने दावा किया था कि इशरत तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी की हत्या के मिशन पर थी। इशरत के परिवार ने उसके एनकाउंटर को फर्जी बताया था। हेडली के खुलासे के बाद अब बीजेपी पूछ रही है कि आतंकी का समर्थन क्यों किया गया। देखिए, जो लोग इशरत जहां के नाम पर सियासत कर रहे थे और उसको शहीद बता रहे थे, उनको आज उनका आंख खुल गया होगा। उनको पता लग गया कि इशरत जहां का जो इनकाउंटर गुजरात के अंदर हुआ था, कई लोग उनको बेगुनाह बताते थे, लेकिन हेडली के खुलासे के बाद कम से कम उन लोगों को अपना बयान वापस ले लेना चाहिए। कई लोग तो उसको बिहार की बेटी बता रहे थे, लेकिन हेडली ने साफ तौर पे आज जो खुलासा किया है, उसके बाद उन नेताओं को अपना बयान ज़रूर वापस ले लेना चाहिए। इशरत पर हेडली के खुलासे के बाद बीजेपी ने सख्त रुख अपनाया है, तो विपक्षी नेताओं का कहना है कि सवाल मुठभेड़ को लेकर उठे थे। उन्होंने कहा कि इशरत जहां एलईटी के लिए काम करते हैं, लश्कर ए तैयबा के लिए, तो ये तो इसकी पुष्टि करनी पड़ेगी, करना चाहिए। अगर मान लिया वास्तव में उसे लिंक थी तो उसी से उनका ट्रीट किया जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि सुसाइड बॉम्बर थी, तो सुसाइड बम्बर थी, उनका इनकाउंटर हुआ था और जिससे फोटोग्राफ्स आए थे कि हाईवे के ऊपर उनको मार के और डाला हुआ था, तो सभी परिस्थितियों को देखते हुए ही आगे मैं समझता हूँ कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और जांच होके फिर ही आगे कोई निष्कर्ष निकाला जा सकता। लेकिन मेरा ये मानना है कि हमें इसमें ज़्यादा शोर नहीं मचाना चाहिए। ये बहुत नाजुक मामला है और देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला है और आतंकवाद का जो सारे विश्व के लिए एक बड़ा मसला है उससे जुड़ा मामला है। हमें बहुत एहतियात के साथ और शांति के साथ में ये सबूतों को इकट्ठा करके अदालत के सामने पेश करना है। इशरत जहां के परिवार ने हेडली के बयान को सिरे से खारिज कर दिया है। इशरत की मां और चाचा के मुताबिक इशरत जहां के एनकाउंटर को कई जांच एजेंसियों ने फर्जी बताया था। साजिश के तहत हमारी बेटी को फंसाया जा रहा है, मतलब बदनाम किया जा रहा है। ये सब फेक इनकाउंटर है। मेरी बेटी को मारा गया है, कत्ल किया गया उसका। पहले कोशिश की गई 5-7 सवालात के अंदर के हेडली के मुंह से जो इशरत का नाम निकाला जाए। जब 5-7 सवालात में मतलब नहीं निकला, जब क्वेश्चन 5-7 चले गए उसके अंदर जब नहीं निकला, तो फिर लास्ट में ये कहा कि चलिए हम आपके सामने 3 ऑप्शन रखते हैं, अब आप बताइए इसमें से 3 ऑप्शन में से किसे जो है आप आतंकवादी कहना चाहेंगे। तो फिर उसने वो 3 नाम उसके सामने रखे गए, उसने एक नाम पे टिक मार दी। ये इस तरह से जो है ये पूरा मैं समझता हूं कि ये हुआ है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में नारेबाजी पर प्रेस क्लब ने डीयू के प्रोफेसर अली जावेद को कारण बताओ नोटिस भेजा है। प्रेस क्लब में जिस कार्यक्रम में देश विरोधी नारे लगे, उस कार्यक्रम के लिए हॉल अली जावेद ने ही बुक कराया था। आतंकवादी अफजल गुरु और मकबूल भट्ट की फांसी के 1 साल के होने पर प्रेस क्लब में बुधवार रात एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसे कश्मीर के अलगाववादी नेता गिलानी ने मोबाइल पर संबोधित किया। इसी कार्यक्रम में नारेबाजी हुई थी। वहीं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट ने कहा है कि वो इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मैं खुद था वहां पे, हम लोग एक इंडोलेंस कर रहे थे, तो इसे रोका गया और इन्हें बंद कर दिया। तो पर तब तक एक आध नारे लग गए थे, तो इस पे हम लोग कंडेम कर रहे हैं इसको, और इस पे जिसने किया था उसके खिलाफ एक शो कॉज दे दी गई है।
प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में नारेबाजी पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कुछ लोगों पर राष्ट्रद्रोही मानसिकता का भूत सवार हो गया है और उन्होंने इसे राष्ट्र विरोधी मानसिकता करार दिया है। इससे पहले मंगलवार को जेएनयू में भी देश विरोधी नारे लगाए गए थे। बीजेपी सांसद महेश गिरी ने जेएनयू में लगे देशद्रोही नारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर से भी मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। जो उन्होंने राष्ट्र विरोधी गतिविधियां वहां पर चलाई, एंटी नेशनल और एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल भी, क्योंकि जो हैंग किया गया है वो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था और सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट था वो इस देश के सुप्रीम है। जांच के बाद ही अफजल गुरु को फांसी पे चढ़ाया गया था और वहां पर उनको मार्टियर की तरह पेश किया गया, ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल भी है। और राष्ट्र विरोधी जो नारे लगाए हैं वो बर्दाश्त नहीं किए जाएगा। अगर ऐसी गतिविधियां जेएनयू में चल रही है तो वीसी ने उसकी एनओसी क्यों दी, ऐसे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। मैं एफआईआर लॉन्च कर रहा हूं। हमारा सबसे पहला मिशन जो है कि ऐसी कोई भी ताकतें पनप रही है अगर शिक्षा के केंद्र में तो देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। मध्य प्रदेश के धार में बसंतोत्सव को लेकर भोज उत्सव समिति की मांग और एएसआई के निर्देशों के बाद सरकार किसी फॉर्मूले की तलाश में है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सरकार की ओर से हिंदू संगठनों से बात करने पहुंचे जिले के प्रभारी मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने फॉर्मूला तलाश लिया है। ऐसी खबरें हैं कि भोजशाला के अंदर पूजा को लेकर हिंदू संगठनों को मना लिया गया है। इस फॉर्मूले के तहत 2006 जैसी स्थिति लागू की जा सकती है जिसमें भोजशाला की छत पर मुस्लिम समाज को नमाज अदा करवाई गई थी और परिसर में हिंदू समाज ने पूजा और हवन किया था। भोजशाला परिसर में बैरिकेटिंग के साथ छत पर की गई शामियाने की व्यवस्था इसी ओर इशारा कर रही है। आवश्यकता हुई तो एन मौके पर नमाजियों को छत पर लाने के लिए अस्थायी चढ़ाव की व्यवस्था भी प्रशासन की ओर से की गई है। वहीं धार प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। भोजशाला समेत आसपास के पूरे इलाकों पर निगरानी के लिए ड्रोन कैमरे की मदद ली जा रही है। उत्तर प्रदेश में कल पेश होने वाले बजट पर सबकी निगाहें हैं। यूपी का वित्त वर्ष 2015-16 के लिए बजट 3,02,687 करोड़ रुपए का था। 2014-15 के मुकाबले ये करीब 10% ज्यादा था और पिछले साल सरकार की अनुमानित प्राप्तियां 2,96,000 करोड़ थी। इसके मुताबिक बजट में करीब 6,000 करोड़ के घाटे का अनुमान लगाया गया था। खास बात यह रही कि सरकार ने किसी नए टैक्स का ऐलान नहीं किया है। वहीं वित्त वर्ष में कई नई योजनाओं को शुरू किया गया है। बजट में बिजली, सड़क और सिंचाई जैसी सुविधाओं पर विशेष जोर दिया गया जबकि इस साल को किसान वर्ष के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई। साथ ही अनुमान लगाया गया कि वित्त वर्ष में जीडीपी में करीब 5% की बढ़ोतरी होगी। बजट से पहले आज मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने यूपी विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश किया। 27,758 करोड़ के अनुपूरक बजट में बुंदेलखंड के किसानों से लेकर बिजली वितरण कंपनियों तक का खासा ख्याल रखा गया है। इसमें 26,606 करोड़ रुपए केंद्र सरकार की उदय योजना के लिए है जबकि सूखा राहत के लिए 948 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसके साथ ही 248 करोड़ रुपए राजस्व विभाग के लिए रखे गए हैं। इसमें सबसे खास बात यह है कि यह सारा पैसा केंद्र सरकार ने यूपी को दिया है जिसे 31 मार्च तक खर्च करना होगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा अनुपूरक बजट के बीच विपक्षी दलों ने ओलावृष्टि राहत, दलहन की पैदावार और बीज की कमी पर लेकर सरकार पर हमला बोला है। बीएसपी ने सरकार पर पैसों की बंदरबांट करने का आरोप लगाया और सदन से वॉकआउट किया। कांग्रेस ने भी अखिलेश सरकार के अनुपूरक बजट पर सवाल उठाए। समाजवादी पार्टी सरकार ने लगभग 28,000 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट प्रस्तुत करके उत्तर प्रदेश की जनता के सामने एक बहुत ही बड़ा संकट खड़ा किया। जो वर्तमान सरकार ने, समाजवादी पार्टी सरकार ने अनुपूरक बजट रखा है वो औचित्यहीन है, अविवेकपूर्ण है। और जब 31 मार्च 2016 आने में कुल 2.5 महीने बाकी रह गए हो तब ये बजट न। 2017 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए यूपी सरकार ने अनुपूरक बजट में बुंदेलखंड समेत सूखा प्रभावित दूसरे इलाकों के लिए 904 करोड़ का फंड दिया है। बुंदेलखंड में विपक्षी दलों की सक्रियता को देखते हुए सीएम ने यहां के विकास का वादा किया था। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने बुंदेलखंड पदयात्रा के दौरान राज्य सरकार से इस इलाके के लिए और बजट की मांग की थी।
23 जनवरी के महोबा दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने केंद्र और यूपी सरकार पर निशाना साधा था। उसके बाद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बुंदेलखंड का दौरा किया। इस दौरान सीएम ने कहा था कि बुंदेलखंड में विकास करना एसपी सरकार की प्राथमिकता है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी दो दिन के दौरे पर आज रायबरेली पहुंची। कांग्रेस अध्यक्ष ने हुईमऊ गेस्ट हाउस में स्थानीय कांग्रेसी नेताओं के साथ बैठक कर चुनावी रणनीति पर चर्चा की और इसके पहले दोपहर करीब 12 बजे फुर्सतगंज हवाई अड्डे पर उतरने के बाद सोनिया गांधी अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा उन्होंने किया, जहां उन्होंने लोगों से उनकी समस्याएं सुनी। सोनिया गांधी रायबरेली के जिला अधिकारी सूर्यपाल गंगवार के आवास पर पहुंचकर उनको सांत्वना दी। हाल ही में डीएम की पत्नी का निधन हो गया था। इसके अलावा मशहूर शायर मुनव्वर राणा के आवास पहुंचकर उन्हें भी सांत्वना दी। मुनव्वर राणा की मां का भी दो दिन पहले देहांत हो गया था। लखनऊ में कल वकीलों के उत्पात के मामले को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित 7 जजों की बेंच ने पिस्टल लहराने वाले वकील विशाल दीक्षित के किसी भी कोर्ट में घुसने पर रोक लगा दी है। लखनऊ में वकीलों की तीनों एसोसिएशन से रिपोर्ट भी मांगी गई है। यूपी के प्रमुख सचिव गृह से रिपोर्ट तलब की गई है। मामले की अगली सुनवाई 18 फरवरी को होगी। विशाल दीक्षित हाईकोर्ट का वकील है। दीक्षित अवध बार एसोसिएशन का सचिव रह चुका है। कल लखनऊ में हुए हंगामे के दौरान विशाल दीक्षित को पिस्टल लहराते हुए देखा गया था। कल वकीलों ने 4 घंटे तक लखनऊ के कैसर बाग में आगजनी की। कैसर बाग में हाईकोर्ट के ठीक सामने स्थित स्वास्थ्य भवन के करीब 60 गाड़ियां तोड़ दी गई और रोडवेज की 2 बसेस समेत करीब 10 गाड़ियों में आग लगा दी गई। वकीलों ने हाईकोर्ट के पास बनी पुलिस चौकी भी फूंक डाली। इसके अलावा आधा दर्जन होर्डिंग्स में आग लगा दी गई। इतना ही नहीं, वकीलों ने राहगीरों को दौड़ा दौड़ाकर पीटा, मीडिया से हाथापाई की और फोटो खींच रहे अखबारों के फोटोग्राफर्स को जमकर पीटा और उनके कैमरे तोड़ दिए गए। यहां तक कि आपके अपने चैनल इंडिया 24/7 के रिपोर्टर से भी बदसलूकी की गई। वकीलों के हंगामे को लेकर अखिलेश सरकार भी सख्त नजर आ रही है। सूबे के कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव ने कहा है कि बवाल करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। गाजियाबाद में युवती के अपहरण मामले में यूपी एसटीएफ ने भी जांच शुरू कर दी है। कल अगवा हुई दीप्ति का अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। दीप्ति की तलाश में 5 आईपीएस अधिकारी, 50 सब इंस्पेक्टर्स और 200 पुलिस वालों के अलावा क्राइम ब्रांच की टीम भी लगी हुई है। पुलिस ने इस मामले में कई ऑटो वालों को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। वैशाली मेट्रो स्टेशन से लेकर जहां पर दीप्ति का फोन प्रेस किया गया है वहां तक कई कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर खराब पड़े हैं। अगर ये कैमरे सही होते तो शायद कोई सुराग पुलिस के हाथ लग पाता। जंतर मंतर पर गजेंद्र सिंह की खुदकुशी के मामले में आज आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह और नीरज कुमार ने अपना बयान दर्ज कराया। दिल्ली पुलिस ने किसान गजेंद्र सिंह की खुदकुशी के मामले में संजय सिंह समेत आपके 5 नेताओं को नोटिस भेजा था। पुलिस ने संजय सिंह के अलावा आशीष केतान, भगवंत मान, नीरज कुमार और कुमार विश्वास को नोटिस भेजा था। और यहां अगली खबर, दिल्ली में ऑड इवन का अगला चरण 15 अप्रैल से लागू होगा जो 30 अप्रैल तक चलेगा। इस बार भी महिलाओं और दुपहिया वाहनों को इस योजना में छूट दी गई है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि इस योजना पर अभी और काम किया जा रहा है। दिल्ली में यमुना किनारे आर्ट ऑफ लिविंग की तरफ से कल्चरल फेस्टिवल के आयोजन को लेकर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने नोटिस जारी किया है। एनजीटी ने डीडीए और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। एनजीटी ने डीडीए को आदेश दिया है कि वो प्रोग्राम आयोजन वाले जगह का निरीक्षण कर 7 दिनों के अंदर रिपोर्ट सौंपे। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति और ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के प्रमुख परवेज मुशर्रफ की तबीयत आज अचानक खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। आईसीयू में डॉक्टर्स ने जांच किया और करीब 1.5 घंटे बाद उन्होंने अस्पताल से उन्हें छुट्टी दे दी। आज सेंसेक्स 807 और निफ्टी 239 अंक गिरकर बंद हुए। 9 मई 2014 के बाद निफ्टी 7000 के नीचे फिसला है। वहीं सेंसेक्स भी आज 23000 के नीचे फिसल गया। एनपीए संकट गहराने से बैंकिंग शेयर्स में जोरदार गिरावट रही।
देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई के अक्टूबर दिसंबर तिमाही के नतीजे अनुमान से खराब रहे हैं। पिछले साल के मुकाबले इस तिमाही में बैंक का मुनाफा 67% गिरकर 1,259 करोड़ पर पहुंच गया। आपको बताएं, बैड लोन की प्रोविजनिंग के चलते एसबीआई के मुनाफे पर असर पड़ा है। फेसबुक ने अपने विवादास्पद पर फ्री बेसिक्स प्रोग्राम को भारत में बंद करने का फैसला किया है। कंपनी ने यह कदम ट्राई के उस नए नियम के बाद उठाया जिसमें नेट न्यूट्रलिटी का समर्थन करते हुए फेसबुक के फ्री बेसिक्स प्रोग्राम को खारिज कर दिया गया। इंटरनेट टेक्नोलॉजी कंपनी याहू बड़े पैमाने पर छटनी करने जा रही है। पहले चरण में कंपनी 170 लोगों को नौकरी से निकालेगी। हालांकि कर्मचारियों को 60 दिन का नोटिस दिया जाएगा। बुधवार को याहू ने 107 कर्मचारियों को निकाले जाने का ऐलान किया था, लेकिन माना जा रहा है कि कंपनी 1500 से ज्यादा लोगों को निकालने की तैयारी में है। जेट एयरवेज ने रोजाना 2 फ्री टिकट देने का ऑफर निकाला है। लक ई टिकट ऑफर के तहत यात्री रोजाना 2 फ्री रिटर्न हवाई टिकट जीत सकते हैं। ऑफर के तहत जो यात्री jetairways.com या जेट एयरवेज के मोबाइल ऐप पर फर्स्ट क्लास, प्रीमियर और इकोनॉमी क्लास का टिकट बुक कराएंगे, उन्हें रोजाना इकोनॉमी क्लास का रिटर्न टिकट फ्री में जीतने का मौका मिलेगा।